आज के टाइम पे एसिडिटी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मैंने अधिकतर लोगों को देखा है, उन्हें कोई प्रॉब्लम हो ना हो बट उनको गैस बनना, ब्लोटिंग होना, कॉन्स्टिपेशन, ये सारी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। इवन कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स भी होती हैं कि खाना खाने के तुरंत बाद उनको मोशन सेंसेशंस होने लगते हैं, उनका खाना डाइजेस्ट नहीं होता। तो बेसिकली उनका रीज़न क्या है? या तो हो सकता है उनका गलत टाइम पे खाना पीना, या तो फिर कुछ ऐसी चीज़ों का सिलेक्शन करना जो उनकी बॉडी के अकॉर्डिंग नहीं है, या तो फिर उनको जड़ इश्यूज हो गए हैं। इट मींस गैस्ट्रो ईसोफेगल रिफ्लेक्स डिसीज, मींस डाइजेशन से रिलेटेड डिफरेंट प्रॉब्लम। ये सारे पार्ट आपके डाइजेशन में ही आते हैं, या आपको गैस बनेगी, ब्लोटिंग होगी, आपके अपर एब्डोमिनल या तो फिर लोअर एब्डोमिनल में किसी भी तरह की पेन जैसे सेंसेशंस होना। बेसिकली क्या होता है, हमारे ही सारा जो हेल्थ इश्यूज है जो हमारे स्टमक से स्टार्ट होता है, ये डिपेंड करता है हम क्या खा रहे हैं क्या नहीं। तो आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें आपको ये बताऊंगी कि अगर आपको एसिडिटी से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम है तो कुछ ऐसे फूड्स हैं जिनको आपको नहीं खाना है, क्योंकि अगर आप ऐसे फूड का सिलेक्शन करते रहेंगे और ये प्रॉब्लम कंटिन्यू आपको रहेगी तो आगे चलकर आपके हेल्थ के इश्यूज बढ़ जाएंगे। तो चलिए आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेती हूँ, जल्दी से आप सभी को बताती हूँ कि ऐसे कौन कौन से फूड्स हैं या फ्रूट्स हैं जो आपको। फर्स्ट है एसिडिक सिट्रस फ्रूट्स, मींस लेमन, ऑरेंजेस, लाइम्स, ये सारे फूड आपको नहीं खाना है। ये स्टमक के रिफ्लेक्स को, मींस आपको एसिडिटी जैसा फील होना या तो फिर ब्लोटिंग जैसी प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप किसी भी तरीके के सिट्रस फ्रूट्स को खाते हैं। सेकेंड है कैफीन। बेसिकली सभी क्या करते हैं, मॉर्निंग में उठते साथ ही उनको आदत होती है या तो फिर एक कप चाय या तो फिर एक कप कॉफी लेते हैं, कहते हैं हम तो सिर्फ मॉर्निंग में ही लेते हैं, बट सारी प्रॉब्लम आपकी वहीं से स्टार्ट हो जाती है। तो सबसे पहले मॉर्निंग में टी और कॉफी आपको बंद करना है, उसकी प्लेस में आपको सिर्फ वार्म वाटर लेना है। थोड़ा सा ब्रेक करके या तो ब्रेकफास्ट करने के बाद आप ले सकते हैं, बट कोशिश करिए आपको कैफीन का इंटेक कम करना है, क्योंकि अगर आप ये कंटिन्यू रखेंगे तो आपको कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, पाइल्स, अल्सर, ये सारी टाइप की प्रॉब्लम हो जाएगी। थर्ड है स्पाइसी फूड। स्पाइसी फूड में कैप्सिसिन होता है जो आपके बॉडी के, जो आपके स्टमक के एसिड रिफ्लेक्स को इंक्रीज कर सकता है, ये अल्सर भी क्रिएट करता है, बर्निंग सेंसेशन होता है, मींस जो भी आपके गैस्ट्रिक प्रोसेस है, जो आपके स्टमक में डाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है स्टमक में, वो कहीं ना कहीं इसको स्लो कर सकता है और आपको डिफरेंट प्रॉब्लम हो सकती है। बेसिकली जो स्पाइसी फूड्स खाते हैं उनको अल्सर या पाइल्स वाली प्रॉब्लम ज़्यादा देखी गई है, तो आपको किसी भी तरीके के स्पाइसी फूड को लेने से भी बचना है। फ्राइड फूड्स बेसिकली आपके जो भी गैस्ट्रिक प्रोसेस होती है, जो भी डाइजेशन प्रोसेस होती है, उसको वो बहुत हद में स्लो कर देता है। जब आपकी फूड ही प्रॉपर आपको डाइजेस्ट नहीं होगा तो ऑब्वियसली ब्लोटिंग, स्टमक पेन जैसी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। हाई फैट फूड्स, हाई फैट फूड्स आपके जड़ इशू को इंक्रीज कर देता है। जो भी डाइजेशन की प्रॉब्लम अभी तक चल रही है, अगर आप कंटिन्यू हाई फैट फूड्स लेते हैं, बेसिकली अगर वीक में आप 4 डेज भी लेते हैं, तो ये आपका वेट भी गेन करेगा, इवन आपके स्टमक से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम को इंक्रीज कर देगा। मोस्टली देखा गया है जो भी हाई फैट फूड्स लेते हैं उनको रात में डिफरेंट स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, क्योंकि नाइट ही एक ऐसा टाइम होता है जो आपका डाइजेशन की प्रोसेस थोड़ी सी स्लो हो जाती है। इस टाइम पे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है और मॉर्निंग में कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, और कंटिन्यू अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहेगा, पाइल जैसे इश्यूज भी आपके इंक्रीज हो जाएंगे। इसलिए किसी भी तरीके का हाई फैट फूड्स आपको लेने से भी बचना है। टोमेटोज, बिल्कुल सही सुना आपने, टोमेटोज। अगर डाइजेशन के कोई भी अगर आपको इश्यूज है तो आपको टोमेटोज से बचना है। बेसिकली नाइट में तो आपको इसको बिल्कुल भी किसी भी तरीके से नहीं खाना है, क्योंकि टोमेटोज हाई एसिडिक और हाई मैलिक एसिड होता है जो जड़ इश्यूज को या स्टमक से रिलेटेड इश्यूज को इंक्रीज कर सकता है। रॉ ऑनियंस बहुत ही ज़्यादा एसिडिक होते हैं, ये डाइजेशन के प्रोसेस को स्लो कर देता है, एसिडिक रिफ्लेक्स आपकी बॉडी का, स्टमक का इंक्रीज कर सकता है, जिसमें बर्निंग जैसे सेंसेशंस या तो फिर इंस्टेंट ब्लोटिंग जैसी प्रॉब्लम भी हो जाती है, तो आपको रॉ ऑनियंस लेने से भी बचना है। ठीक, कार्बोनेट बेवरेजेस, लाइक आपके सम सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गए,
कोलाज हो गया, बियर हो गया, वाइन्स हो गया, ये सारी चीज़ों को लेने से आपको बचना है अगर आपको जर्ड इश्यूज या गैस्ट्रिक इश्यूज है तो। ये आपके गैस्ट्रिक प्रोसेस को कम्प्लीटली डैमेज कर सकता है, तो कोशिश करना है इसका इनटेक आपको कम करना है 10-15 days में एक बार, ठीक है। बट अगर ये कंटिन्यू आपको गैस्ट्रिक इश्यूज है तो उसका इनटेक आपको टोटली बंद करना है। तो आज मैंने कुछ ऐसे फूड्स आप सभी के सामने रखे हैं जिनको भी एसिडिक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, उनको ये सारे फूड्स को लेने से बचना है, हेल्दी खाना है। ऐसे फूड्स को इनटेक आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना है जो कूलिंग इफेक्ट आपकी बॉडी में देता है, जैसे बटर मिल्क हो गया, कर्ड हो गया, इनके इनटेक्स को आप बढ़ा सकते हैं। स्टमक इशूज कंटिन्यू आपको रहते हैं या बेसिकली आपको खाना खाने के बाद रहते हैं, तो आपको भी ये सारे सिम्टम्स को समझना है कि आपको क्यों खाना खाने के बाद तुरंत स्टमक इशूज हो सकते हैं। आपको इसको फाइंड आउट करना है। बेसिकली खाना खाने के तुरंत बाद या तो आप सो जाते होंगे, या तो आप पानी पीते होंगे, या तो लेटते होंगे, बट आपको वैसा नहीं करना है। खाना खाने के तुरंत बाद आप बहुत ही कम मात्रा में लाइक हाफ ग्लास ऑफ ल्यूकवार्म वाटर ले सकते हैं। कोशिश करना है 100-200 steps आपको घर पे ही चलना है, जिससे आपका जो डाइजेशन प्रोसेस स्लो है वो थोड़ा सा फास्ट हो जाए, जो भी फूड आपने लिया है वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाए। तो आई होप मेरा आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आपके जो भी अपने हैं जिनको डाइजेशन से रिलेटेड इश्यूज है, मेरा वीडियो आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, आपके सब्सक्राइब करने से ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा। जल्दी मैं फिर आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, जिसमें फिर कुछ हेल्दी टिप या तो फिर कुछ एक सजेशंस आप सभी के पास लेके आऊँगी। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, स्टे फिट। बाय फॉर नाउ।